पेंशन भोगियों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जी हाँ, जितने भी हमारे पेंशन भोगी व भूतपूर्व सैनिक जुड़ गए हैं, 21 दिसंबर की आज बुधवार वेनसडे की शाम और आपकी ओआरओपी के नाम, जी हाँ, जितने भी हमारे तमाम सैनिक व भूतपूर्व सैनिक वन रैंक वन पेंशन का वेट कर रहे थे, उसके लिए बड़ी अपडेट दूंगा। साथ ही में और तीन चार खबर निकल के आई है जो भूतपूर्व सैनिकों के हित के लिए है और उनको ये जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बता दें कि हम इस वक्त पीसीडीए मतलब प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट के ऑफिशियल वेबसाइट में तमाम हमारे जो भूतपूर्व सैनिक जो हमारे पेंशन भोगी वह पेंशन धारक इंतजार कर रहे थे अपने हक का, अपने हित का, जहां पर मैं बता दूं तमाम स्थिति है कि अभी कहीं जगह रैली और कहीं जगह जंतर मंतर प्रदर्शन दर्शन हो रहा है ओआरओपी के रिगार्डिंग। अभी आपको सबसे पहले आपके वेलफेयर की न्यूज के बारे में बात करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निम्न निवेदन है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे भूतपूर्व सैनिकों को सबसे पहले उनके हक, उनके हित, उनका प्रिविलेज, उनका वेलफेयर मिलता है। देखिए, तमाम भूतपूर्व सैनिकों को बता दें, नहीं मिला 18 महीने का डीए, कोई बात नहीं, केंद्र कर्मचारियों के लिए फिर भी गुड न्यूज यहाँ पे निकल के आ रही है। देखिए, मैं हिंदुस्तान के ई पेपर मतलब कि उन्हीं के वेबसाइट में हूँ जहाँ पे हमारे पेंशन भोगियों के लिए जो 18 महीने का डीए डीआर था, जो कोरोना काल में 20 के और 21 के बीच में तकरीबन महीने भर उनको उनका हक मतलब उनको डीएनएस अलाउंस मतलब महंगाई भत्ता से वंचित रखा गया, उस पर सरकार ने हरी झंडी दे दी है कि आपको मिलेगा, बट कब मिलेगा इसकी कोई गारंटी और कोई भी जवाब नहीं है सरकार के पास, ना ही कोई सोशल मीडिया में किसी मीडिया के पास। वन रैंक वन पेंशन के लाभ उठाने वाले जितने भी लाभार्थी हैं जो ओआरओपी का वेट कर रहे थे 16 दिसंबर तक, लेकिन आज दिनांक हो गया 21, लेकिन अभी तक किसी भी तरह का ऑफिशियल नोटिस या ऑफिशियल खबर नहीं आया है कि एक्चुअल में क्या बात हुई है। लेकिन एक बात यहाँ पे साफ है कि सरकार जो है गोल 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 घुमा रही है हमारे रिटायर्ड फौजियों को, क्योंकि उन्होंने आज से 3 महीने पहले कहा था कि हमारे पेंशन भोगियों का ऑल वर्क इज डन, ओनली कैबिनेट मीटिंग इज अवेटेड। कैबिनेट मीटिंग के बारे में बताया था, लेकिन अभी भी हमारे सेना जो एक्स सर्विस मैन है वह पेंशन धारक व पेंशन भोगी भूतपूर्व सैनिक जितने मिलिट्री वेटरनर्स है, तब से सबसे मेरा निम्न निवेदन होगा कि आप सभी को राम राम, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको हमेशा वन रैंक वन पेंशन जैसी न्यूज ओआरओपी का जो 15 मार्च 2023 रखा गया है, आप देख सकते हैं मौलत, वही कैबिनेट मंजूरी के बाद पेंशन टेबल तैयार करने की आवश्यकता है जिसके लिए लंबी प्रक्रिया लगेगी। देखिए, ये लंबी प्रक्रिया लग रही है इसके लिए पहले कुछ और बताया गया, इस बार कुछ और एक्सक्यूज दिया गया। इससे हमारे जो मेजर जनरल सतवीर साहब है उन्होंने भी अपने ऑफिशियल वेबसाइट ट्विटर हैंडल पे बताया कि कैसे हमें सरकार हमारे जो पेंशन धारक व पेंशन भोगियों को जो संदेश दे रही है वो कैसे, उन्होंने बताया कि ये बिल्कुल भी साफ मतलब निकलता है कि पेंशन भोगियों को फिलहाल पेंशन के लाभ से के लिए अभी थोड़ा इंतजार और करना होगा। तो यहाँ पे आपको साफ साफ यहाँ पे न्यूज मीडिया के माध्यम से निकल के आई है। वहीं मैं आपको और एक चीज बता दूं, ये मेरी लास्ट जानकारी होगी पेंशन भोगियों के लिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप वीडियो में अंत तक बने रहें क्योंकि आपके लिए हमेशा मैं कुछ ना कुछ अपडेट्स लेके आता हूँ। देखिए, पीसीडी के ऑफिशियल वेबसाइट से ये मैंने डाउनलोड किया है, जहाँ पे रक्षा पेंशन समाधान आयोजन होने जा रहा है जो कि झारखंड के जिले रांची में, राजधानी रांची में 5 और 6 जनवरी को क्रिकेटर ऑडिटोरियम डीपाटोली कैंट में, जो कि रांची में स्थित है। और यहाँ पे आपको एक चीज बता जानना जरूरी है कि ये एक डीपाटोली कैंटोनमेंट एक मिलिट्री का छावनी है, वहीं पे ये कैंप चल रहा है। तमाम बिहार और झारखंड वासियों से मेरा निम्न निवेदन, जितने भी भूतपूर्व सैनिक वहाँ से बिलोंग करते हैं, जाए कैंप में, अटेंड करें, क्योंकि इस कैंप में आपको बहुत सारे आपकी सुख सुविधाएं और आपकी दिक्कत समाधान के बारे में बात किया जाएगा। आप वहाँ पे डायरेक्ट मिल सकते हैं और आप अपने समाधान से मतलब हल पा पाएंगे। तो ये पीसीडी की तरफ से बड़ा गुड इनिशिएटिव है। साथ ही में अगर आप अब कुछ भेजना चाहते हैं तो उनको भेज भी सकते हैं, उनके यहाँ पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के लिए मैंने सब कुछ लगा दिया है, आप इसे डाउनलोड कर लीजिए या फिर पीसीडी के वेबसाइट में जो सर्कुलर घूम रहा है उसमें सबसे पहले दिख जाएगा, या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए हमने ऑफिशियल एक वीडियो भी बनाई है, परमानेंट, वो देख लें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।